वो लोग जो गरीब है, वो लोग क्यों बाहर आए हैं, आज दुनिया को बताना है, सारी दुनिया को पता होना है कि किस तरह से नाइंसाफी हो रही है, हिंदुस्तान में किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। मैं सलाम करता हूँ वो जावेद मिर्जा की दो लड़कियों से लेकर वो शाहीन नगर की औरतों को सलाम करता हूँ। उन्होंने इंकलाब को पत्र दिया, बता दिया कि ये जो डर बिठाया जा रहा था, ये फिक्र को तब्दील किया जा रहा था। हम किसी भी हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम सरकार के खिलाफ है, क्योंकि वो गलत कदम उठा रही है, डर बिठाना चाहती है, आरएसएस की फिक्र बनाना चाहती है और अपने अस्म इरादे को वो आगे बढ़ने के लिए इस तरह से जबर कर रही है, जुल्म कर रही है, मारा जा रहा है। लेकिन ये औरतों को सलाम कि उन्होंने बता दिया, ये देख ले सरकार कि तुम हमारे दिल में डर को लाना चाहते हैं, हमने डर को दूर भगा दिया, जो हमें भेजना चाहते हैं हम उसे हिंदुस्तान से बाहर करने वाले हैं। आज क्या किस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। उधर आरिफ अगर रेप होता है तो वो लोग जिन्होंने रेप किया वो लोग आगे फिर आगे बढ़कर चर्चा करते हैं। उधर आकर कानपुर में मारा जाता है, उधर एक गरीब जो मुसलमान है उसको मारा जाता है, कहता है कि बताओ अगर तुम एहतजाज करेंगे इस तरह से लाठी को मारा जाएगा, इस तरह से तुमको ऊपर यह सुन किया जाएगा और पूछा जाता है बताओ तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जो आकर तुम्हारी मदद कर रहा है। तो याद रखे दुनिया वाले जो इस अल्फाज का इस्तेमाल करते हमारे इतना अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, जो तुम लोहे की सलाखों से मार रहे हैं जब उसकी सलाख पड़ेगी तो कोई बाकी रहने वाला नहीं होगा। हिंदुस्तान